हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा युवा 3 प्रो फ़ोन है, तो लावा युवा 3 प्रो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को आप कैसे अपने फ़ोन को और रिबूट कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के, और कैसे विदाउट बटन फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और कैसे रिबूट कर पाएंगे फ़ोन को बिना बटन्स के। तो आज हम बताने वाले हैं कि बिना बटन्स के आप फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। और क्लिक करते ही आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को कैसे रिबूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग्स पे जाना है, स्पेशल फंक्शंस पे जाकर फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और कैसे रिबूट कर पाएंगे अपने फ़ोन को, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे चले जाना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे, और मेन्यू पे जाकर फ़ोन को आप रिबूट कैसे कर पाएंगे और रिबूट कैसे कर सकते हैं फ़ोन को। तो इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को ऑन कर सकते हैं। ऑन करते तो इस तरीके से फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को, तो आप इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं कि आप देखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इस पर क्लिक करते ही फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते ही फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे बिना बटन्स के, और इस पर क्लिक करते ही रिबूट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।